पंजाबी खबरां दे विच वड्डी खबर निकल के आ रही है जिवें कि पंजाब पुलिस विभाग अपनियां वड्डियां भर्तियां मुहिम दे अगले पड़ा की तैयारी विच है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शनिवार नूं डीजीपी नूं प्रीख्या दे पेपर लीक होण नकल मारन आदि विरुद्ध छेड़ी कार्रवाई नूं तेज़ करन दे निर्देश जारी कीते ने। दरअसल 6 व्यक्तियों नूं कथित तौर ते गिरफ्तार किया गया। इन्हां व्यक्तियों खिलाफ 22 अगस्त नूं सब इंस्पैक्टर लई होई लिखती प्रीख्या दौरान नकल च शामिल होण शक है। हेड कांस्टेबल इन्वेस्टिगेशन कार्ड लई लिखती प्रीख्या शुरू होने तो पहला यह निर्देश आए सन कि जो 75,454 बिनेकारां लई 12 तो 19 सितंबर तक आयोजित कीतियां जाणियां, जिन्हां ने 787 खाली असामियां लई अर्जियां दित्तियां। इस दे बाद कांस्टेबल जिला ते हथियारबंद काडरां लई प्रीख्या लई 25 ते 26 सितंबर निर्धारित की गई है। 4,358 खाली असामियां भरन लई 4,70,775 उम्मीदवार ने अर्जियां दत्तियां। इस तो बाद देश दे किसी भी राज दी पुलिस वालों अपनी किस्म दे पहले कदम दे तहत अक्तूबर विच पंजाब पुलिस विभाग विच 2600 वर्दीधारी महारां दी नियुक्ति लई एक होर भर्ती मुहिम चलाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने डीजीपी दिनकर गुप्ता नूं प्रीख्या केंद्रां विच सुरक्षा होर वध करन लई कहा ते भर्ती धोखाधड़ी करन वाले अते घोटालेबाजां वालों प्रीख्या प्रक्रिया नूं तोड़ मरोड़ के खराब करन दीआं रिपोर्ट सब इंस्पैक्टर लिखती प्रीख्या दौरान ब्लूटूथ कनेक्टिविटी राही धोखाधड़ी के मामले में खन्ना पुलिस वालों 6 व्यक्तियों की गिरफ्तारी के मद्देनजर दिनकर गुप्ता ने कहा कि सारे प्रीख्या केंद्रों में जैमर और होर इलैक्ट्रॉनिक्स उपकरण लगाए जा रहे हैं। इस मामले में होर गिरफ्तारियां होने की संभावना भी दसी गई है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति चाहे टाउट का उम्मीदवार हो पेशावर घोटालेबाज किसी भी प्रीख्या न संबंधित गलत कामों विच पाया जाएगा तो तुरंत मुकदमा दर्ज करके उसनु गिरफ्तार किया जाए। पंजाब पुलिस भर्ती प्रीख्या के अगले पड़ाव विच दाखिल होने वाले उम्मीदवारों नु धोखेबाज तो सुचेत रहने लई चेतावनी दी गई। डीजीपी ने स्पष्ट कर दिता है कि गलत तरीकियां प्रोत्साहन राही नौकरियां दे वादे बिल्कुल झूठ ने। उन्होंने कहा कि जिया पेशावर वादियां बारे कोई भी जानकारी 181 हेल्पलाइन ते दित्ती जा रही है जो 24 घंटे 7 दिन पंजाब पुलिस की हेल्पलाइन है। पंजाबी खबरां दे विच वड्डी खबर देखनिया सुननिया पढ़निया तो बने रहो आज न्यूज़ वाला .com ਦੇ ਨਾਲ।